محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة وللصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم جزي الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله الحمد لله ثم الحمد لله رجب کا مہینہ اختتام پہ آ رہا ہے. اس کے بعد ایک مہینہ شعبان کا هي شعبان کا مہینہ اللہ کا مہینہ عالم صلی رمضان کا اللہ کا اگر کسی कोई इवेंट होने वाला हो ना उसकी पहले से तैयारी हो होती सरकारी दुआ द्वारा सल्ला व्लम ने रजब के शुरू होने से पहले दुआ मांगी अल्लाह मबारिक ली फिर रजब व शाबान और बल्गनी रमजान दो महीने पहले से हूँ दो महीने पहले से हूँ अलहमदिल्ला हमारी भी जो मजारिश होती रही उसमें रजब की शुरू में ये बात सामने आई थी और मैंने ये बात अर्ज की भी थी और साथ साथ में ये बात भी अर्ज की थी कि रजब के महीने से एक अलीदा क्वामिज पढ़ना शुरू करें जो आपका कवाज पहले से चल रहा है किसी के सोलह से बारह हो गए किसी के सत्रह हो गए किसी के चौदह हो गए किसी बारह हो गए ठीक है वो अपनी जगह जो आधा से बारह पढ़ता है एक सारा पढ़ता है वो पढ़ता रहे लेकिन रजब के महीने से पाव से सबारह एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दिया अकबर खबीराम हम सब की जरूरियात है की ज़रूरत है किसी को पानी की ज़रूरत है किसी को चाय की जरूरत है किसी को खाने की जरूरत है किसी को घर की जरूरत है सबकी जरूरिया है लेकिन हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है मेरी आपकी आपकी खवातन की सारी दुनिया के सारे इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत क्या है हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारे ईमान में इजाफा होता रहे हम माल में जो इजाफा चाहते हैं लेकिन हमारी असल ज़रूरत यह है कि हमारे ईमान में बचदरीज इजाफा हो हमें जो कितने लोग चाहते हैं ईमानदारी से ठंडे दिन सोचें ये जो खाती मेरी माँ बहने रही ना वो भी सुने कोई और चाहती कि उसके ईमान में इजाफा हो नहीं नहीं कपड़ों में इजाफा हो जाए रमजान आ रहे हैं पर्दे नए लग जाए सोफा नया आ जाए गाड़ी तब्दील हो जाए गाड़ी है जो उसकी सीट कवर तब्दील हो जाए मैं नए नए कपड़े बना लूं ये हमारी तमन्ना है हा? हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारे ईमान में इजाफा दुनिया के इजाफा होने के लिए आप एक दुकान है तो एक दुकान और कर लें आज जोर के बाद एक मोड़ी साहब मेरे पास आए हुए थे दो ढाई महीने से मेरे पास आ रहे हैं उनकी एक दुकान है और एक दुकान और खोल रहे थे एक एकरा एक पहले से बना हुआ एक एकरा एक और खोल रहे हैं मैंने कहा भाई क्यों दूसरी दुकान क्यों खोल रहे हैं अब देखें बड़ा अजीब सा लग रहा है ना अभी साहब एकरा मजरसा खोल रहे तो आप बोले दुकान खोल रहे हैं असल में वो दुकान ही है असल में वो दुकान ही मैंने उनको बहुत समझाया कि ये दुकान ना खोलें कहना जो वहाँ पर दीन का काम और बढ़ेगा मैंने कहा दिन का काम नहीं बढ़ेगा दिमाग के खराबी जो है उसी में बैठे रहो लेकिन बात समझ में नहीं आती ना दो महीने तक लगे रहे लगे रहे लगे रहे आज मुंह लटका के मैं क्या हो गया भाई मैंने कहा आप तो जोर के बाद आते ही नहीं आज कैसे आ गए इसका मतलब आज कुछ गड़बड़ है मतलब आपको पंजाब बीवी के पास जाने के आ जाए और पंजाब बीवी के आप इसी आ रहे हैं कि वहाँ को डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गई गए कन हाजिर आपने पहचान लिया मैंने कहा मैंने पीर जोबार साहब दामदर से सुना उनके शेख के लिए कि उनके पास जब कोई आता था ना तो वो बताया जी इस काम के लिए आया इस काम के लिए आया एक आदमी ने उनके शेख से कहा था ये जो साहब आए ना ये इनका कोई मसला है कहा कि वो शेख शेखी नहीं गजा जो मुरीद क्या है भाई समझे नहीं कि वो क्या चाहता है तो मैंने कहा आपने जब फोन किया ना कि मैं जोर के बाद आ रहा हूँ तो उसी समझ गया है, कोई दाल में है। हा? हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारे ईमान में इजाफा हो ईमान में इजाफा माल में इजाफा होना कोई बड़ी बात नहीं आप यकीन करें माल तो इतना बहुत काफ़ी है जिससे तुम जिंदगी का गुजारा कर लो बस खास ये बाकी जितनी आराइश आरइश जैबाइश जितनी मेरे हिसाब फजूल आते हैं आप यकीन करो जान नहीं निकलेगा मैं दूँ आपको ये डिज़ाइन ऐसा है वो डिज़ाइन ऐसे बनवाया था वो मैंने जर्मनी से एक आर्किटेक्ट को बुलाया था जान नहीं निकलेगी मैं आपको लिख कर दे दूँ जान जान ये अटक जाएगी इस बल्ब के अंदर ढक जाएगी वो जो आप जर्मनी से सूट लेके आए थे ना उसमें अटक जाएगी जान मैंने जान अटकते हुए देखी है आप यकीन कर अटकते हुए देखी है एक आदमी किसी एयरलाइन में जॉब करता था अल्लाह उसकी मफ्फ़ बाद बहुत नक आदमी था मैं उसके घर में कई साल तरावी भी पढ़ाई मैंने बहुत नक आदमी लेकिन एक दिन मुझे बेडरूम लग गया क्या हजर ये वाला बेडरूम ये सहक गया नहीं मैं जर्मनी से लेकर आया मैंने कहा बस भाई मामला खराब हो गया कन्ह क्या मैंने कहा बस अभी बताता हूँ आपको इनशाला कल मैं तरावी का जब बैठे हुआ ना बताऊँगा मामला कैसे सही ये ये जो ना ये जो कॉर्नर है ना ये मैं वहां से निकल आया फिर दूसरे में उनसे कहा अब आपकी जान का निकलना मुसीबत बन गया क्योंकि ये कॉर्नर आपको याद आ जाएगा ईमान में अल्लाह से बढ़ोतरी मांगो ईमान में इजाफा मांगो माल में इजाफा मांगने की जरूरत नहीं है माल तो अल्लाह ने जो लिख दिया वो मिलकर रहेगा ईमान में इजाफा कैसे होगा ईमान में इजाफा कैसे होगा ईमान में इजाफा किसी भी एक ही सूरत है दूसरी सूरत कोई है नहीं और वो सूरत क्या है वैदा तुरियत इमाना। जितना कुरान मजीद पढ़ोगे उतना आपके ईमान में इजाफा होना शुरू हो जाएगा ये जब चाहे जो चाहे प्रैक्टिकल करके देख ले और दुनिया में कई बल भी करके देख ले अल्लाह 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 करते रहो इ होगा वो -से। में फ्यूं, फ्यूं, ऐसे ऐसे कौर रोजाना पढ़ने क्यों करो एक सवाल रोजाना पढ़ा एकदम क्यों क्यों ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे भाई ये कलामुल मुलुक है जो आदमी कुरान मजीद का एहतमाम शुरू कर दे पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं एहतमाम के साथ पढ़ना कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा हमारे मौलाना जाम तो आज क्या तारीख है भाई आज बाईस तारीख है इसका मतलब आज आपका बाईसवा सबारा होगा आज अट्ठारह तारीख है आज अठारह से होगा महीना खत्म कॉमी खत्म तो साल के ग्यारह में ग्यारह क़ाम ही तो वैसे हो गए और रमजान मुबारक में तो शाहरुख रमजान ने लड़ी उजरा फिर कौन जितना चाह कोई पढ़ो लेकिन हम जहां जितने बैठे ना में खुद हर आदमी मुझे बताया नहीं खुद से सोचे सोचे मैं कितना कुरान मजीद रोज पढ़ता हूं सारे काम हमारे होते हैं सारे काम ऑफिस जाना है हॉस्पिटल जाना है बीवी को दवा लेने जाना है बच्चे का स्कूल जाना है छोड़ने जाना है वहां जाना है वहां जाना, जाना है ये सारे काम हमारे लिखे हुए कुरान मजीद पढ़ने के टाइम लिखा हुआ है सबसे ज्यादा कमज़ोरी क़राम मई के पढ़ने में नमाज़े अलहमद्ला फिर भी हम पढ़ लेते अल्लाह का शिक्र अल्लाह का एहसान ये पहले भी कहा आज फिर कहते हूँ इब्नलारवी ने लिखा है कि पाँच कुरान कुरानी नमाज पढ़ने से और साल के एक महीने के रोजे रखने से आप जन्नत में नहीं जा सकते जी बस यार वलमी ने कहा फर्ज भाई पाँच ही नमाजें बस और क्या है और एक महीने के रोजे बस और क्या है अब भाई इसके अगेंस्ट में अल्लाह तुम्हें खाने को तो दे रहा है और जो खाते हो वो निकल जाते हैं क्या ये अल्लाह का एहसान कम है तो मैं इस तरीके से आप जन्नत में नहीं जा सकते बिल्कुल जा नहीं सकते इब्न अरबी ने लिखा है कैसे जाएंगे भाई जन्नत में जन्नत में आने क्या जगह है तो मैं इसके अलावा ओवर टाइम लगाओ पाँच नमाजें और एक महीने का रोजे और जक़ात के अलावा उसके अलावा ढाई परसेंट के अलावा ढ परसेंट और दे दो एक महीने के रोजे के अलावा एक दिन महीने का एक रोजा और रख लो इन पांच नमाजी के अलावा छठी नमाज और पढ़ लो तब आपको जन्नत मिलेगी आप, मिले। आप देखें किसी को मैनेजर बनाना हो तो क्या करते हैं होता तो वो असिस्टेंट है उसके ऊपर मैनेजर का काम डाल देते दे दे। करो भाई और जो वो करता रहा और उसने सर्वाइवल कर लिया उसको मैनेजर की सीट मिल जाती और जो ये क्या यार ये मुसीबत यार ये, मेरा काम थोड़ी है ये मैं नहीं कर रहा चलो भाई कल से फारी कल सुबह से नहीं आना ड्यूटी में अपना काम तो कर रहा हूँ ना तुमको ये काम पाया था वो क्यों नहीं किया तुमने जीदा कुल वही चुनीतम आया तुहू ज्यादा हम ईमाना अपने ईमान में इजाफा करने के लिए कुरान मजीद का रोजाना पाबंदी से पढ़ना जरूरी है और एक बात नहीं कि जब इंसान कौमी पढ़ते हैं ना इंसान पढ़ते हैं ना तो अल्लाह उसके कुरान मजीद को खुद सुनते हैं कान लगा लेते हैं अब आप कहेंगे अल्लाह का कान तो है नहीं तो अल्लाह ने कैसे कहा मैं समी हूं अगर कान नहीं तो समी क्यों कहा नहीं करना चाहिए अब आगे जो है नहीं तो फिर बसीर क्यों कहा तुम्हारी समझ है नहीं आ रहा है, है, तो है मैं समीग मतलब सुनने वाला। अब आपको यह शिकायत होगा कि यार दुनिया में इतने हजारों लोग हैं लाखों लोग हैं करोड़ों लोग हैं तो कम अज कम एक लाख आदमी तो एक वक्त में पढ़ते होंगे ना तो कह सुनता होगा गुलस्तानी जोहर में कुछ लोग बैठ के दुआ मांग रहे हैं अल्लाह वो भी सुन रहे है। इसी वक्त में इस्लामिया कॉलेज के पास एक नशे चोरी है वहाँ पर भी लोग दुआ मांग रहे हैं अल्लाह में वहाँ पर भी सुन रहे आज ही के दिन मदनी मस्जिद में भी बयान हो रहा है अल्लाह वो भी सुन रहे मतलब क्या है कैसे चुनेगा अल्लामियाँ अकल में आ रहा है नहीं आ रहा ना हमने अपनी आँख से देखा है अपनी आँख से ला कराची में जद खारिफ़ फ रहा हुआ करते थे और मैं उनका अजना दर्जे का शागिद हूँ तो हम यहाँ पे हजरत को हजरत यहाँ बैठे हुए ना तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ कभी कभी इससे भी ज़्यादा होते लेकिन आठ सात आठ आदमी बच्चे तो होते ही होते और ये पहला से बारह पड़ा है ये पाँचवा पड़ा है, है ये दसवा पढ़ा है ये बीसवा पढ़ा है ये अट्ठारहवा पढ़ है ये सतरवां बढ़ा है ये पच्चीसवा पड़ा है हजरत सब को सुन रहे हैं सुन है अभी ये भी बोले ये भी बोले ये भी बोले ये भी बोले, बोले कुछ सुनेगा अब यार समझ नहीं आ रहा भाई मछली बाजार बन गया नहीं है लेकिन आप यकीन करें हमने अपनी अपनी आंखों से देखा है अपनी आंखों से देखा है यहां ऐसे वैसे ऐसे ये मेरा कहा गया अब ये तीन आदमी को तो सुन रहे हैं और यहां किसी का देखे हाँ? ऐसा ये हमने अपनी आंखों से देखा है ये अल्लाह दुनिया में मुशाहिदा करा रहा है कि एक आदमी जिसकी आंखें नहीं है नाबीना है और उसकी उम्र साठ साल है वो आठ आदमी को शागामी सुन रहे जब अल्लाह एक इंसान को कमजोर कमजोर खुल कल इंसान जयफा कमजोर तरीन शे को अल्लाह की सलाह दे रहा है कि वो आठ आदमी को सुन रहे हैं और गलती भी निकाल रहे हैं आप क्या समझते हो अल्लाह इज्जत एक लाख आदमी नहीं सुन सकते फिर वो समय नहीं हो सकता ना अल्लाह नहीं सुनते नहीं बात है कि जब अल्लाह कोई पढ़ता है तो अल्लाह कान लगा कर उसका वही सुनते हैं और हम ऐसे बेअदब हैं कि वही पढ़ते मोबाइल भी साथ सकते हैं कोई कॉल आने वाली है इमरजेंसी कॉल आने वाली है और जैसी बुनाया कामजीत कभी बंद किया कभी नहीं किया हाँ भाई येला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शेख ये जो आप यकीन करें मैं आपको सच बताऊं हमारे अंदर से जो दीन निकल रहा है ना उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे अंदर से अदब निकल बुनियादी वजह ये है कि आज मुझे किसी ने किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप किया कहा कि ईसाइयों ने आज तक आज तक ये रीत कायम कर रखी है कि जब जिसकी शादी हो चाहे वो शहजादा हो चाहे वो शहज़ादी हो वो चल कर चर्च में जाते वहाँ जाके पादरी जो भी उनकी रसूमा हैं वो करते है। हमारे साथ मामला क्या हमारा मौलवी जो है, वो रजिस्टर लेकर निकाह उड़ाने जाता है शादी हॉल में और बेटा भाई इंदा कर रहा है बारात कब आएगी नहीं ऐसा अच्छा नहीं ऐसा अच्छा है इसका कसूरवार कौन है कसूरवार कौन है बताओ असल में तुम मैंने लिख के भेजा बाकायदा मैंने कहा उलमा की जब तक कदर नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें ऐसी जाएंगी

अबे भाई ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें कुछ ढांटने वाला है जब नहीं होगा जब तुम्हें पता चलेगा मौली साहब जरा हाथ हल्का रखें डॉक्टर साहब आ जाए के? कभी नहीं कहते हाथ हल्का रखें वो अम्मी को चीर रहा है फाड़ रहा है ये कर रहा है शायद में कह रहे पांच लाख रुपये जमा कराओ डॉक्टर साहब जाए कुछ नहीं कहते मौली साहब आप ऐसे की रजिस्टर लेके निकाहनामा ले गया अच्छा नाम वहीं बैठ के भर देंगे क्यों भाई तुझे दो दिन पहले कहा था ना लेके चले आग, क्यूं, आग, क्यूं तो आप क्यों आप क्यों बढ़वा मैं जो आप यकीन कर एक जगह निकाह बढ़ा चलाया चला, चला नहीं बढ़ाना जमा खराब हो गया तुम्हारा जब तुमसे कहा एक हफ्ता पहले निकाह नामा ले जाओ इसको भर के दो दिन पहले लेकर आओ मुझसे कलेक्शन कराओ, कराओ। असल में कदर नहीं है ओला की कदर नहीं है देखो ईसाइयों ने अपनी पाजी को रखा हुआ है ना हमने अपने मौलवी के साथ क्या किया हुआ अबे भाई मोरवी के साथ तो क्या खाक करेंगे हम हमने कुरान मजीद के साथ क्या किया हुआ आप सोचो जब लड़की रुख्सत होती है तो उसके सर पे कुरान मजीद ऐसे ना भाई और फिर पूरे साल वो अलमारी के ऊपर ही रखा रहता खुल क्या कभी नहीं खुलता है जिस की बेटी शायदी है ना उसको फोन करके मालूम करो बेटे जब से आपको जैसा आज, के, आज तक खोल के देखा देखे साल में एक दफा जब ईद पर झाड़ू सफाई फाई हो जाए, तो उस पर तीन किलो मिट्टी होती है उसके जुद्दान के नहीं ऐसा नहीं ये रोने का मकाम है खुदा की कसम ये रोने का मकाम है ये नाकदरी है कुरान मजीद की कुरान मजीद वालों की जिसकी वजह से यजाबत आ रहे आप औरतें बाकायदा मार्च निकाल रही मेरा जैसे मेरी मर्जी और निकाल भी रही, रही इस्लामाबाद में जो रियासत मदीने की बात करें उसके बराबर में ही खड़े तुम सुन लो हम तो ऐसे ही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा हम तो नंगे फेरेंगे तुम जो चाहो कर लो इसकी बुनियाद अगर आप समझे ना तो जब बच्ची पैदा होती है ना मुफ्ती जबरली साहब रहा यह बात कहा करते थे आप यकीन करें मैंने खुद देखा कि एक बच्ची थी उसके हार्ड की उम्र होगी एक साल एक साल इस नहीं बेटी थी उसको कमी कमीजमीज बनाई हुई थी पैम्पर बांधा हुआ था और चड्डी बनाई थी इतनी सी चड्डी थी जब वो के पास गए ये क्या है ये मेरी बेटी है एक साल की तो इसको पूरे कपड़े क्यों नहीं बनाए बच्ची एक साल की है बच्ची शहजादे तुम भी सुन लो तुम्हारी बेटी एक साल की होने वाली है हाँ, तुम भी सुनो तुम्हारी अपनी बीवी को भी जाके सुनाना अपनी अम्मा को भी सुनाना ये जो बात साहब कह रहे वो एक साल की बच्ची है वो आज बहने इसको पजामा क्यों नहीं पनाया कहा बच्ची है खुदा कसम ये कहते कहते वो बच्ची जवान हो जाती है और वो बच्ची रहती है फिर वो आगे चल के कहती है मेरा जैसे मेरी मर्जी हाँ जिस टहनी को शुरू से सीधा ना किया ना बड़ों की सीधी नहीं होगी वो हाँ बड़ों की सीधी नहीं होगी वो ये कहना छोड़ दो बच्चियों को बच्ची है बच्ची बच्ची कुछ नहीं है अल्लाह ने लड़की बनाई उसको पूरा बजामा यहां यहां तक पहनाओ आप तो एक साल की मैं आपको तीन साल की बच्ची से दिखा दू बच्ची है बच्ची नहीं है तेरा दिमाग खराब है तेरा ईमान कमजोर है तू जाहिल है तू दीन को समझता नहीं है अठारहवें बारे में सूर्य नूर में आता है मैंने खुद मैंने खुद ये मुफ्ती रफीस महीन साहब से मैंने खुद सुना यह अजर मैं एक जगह में बयान लिए गया तो मैंने देखा वहां पे औरतों की पड़ी हुई जैसे आज यहां पे बयान और पर मैं औरतों की चपड़ों से भी पर्दा है, ला है और अठारह सबारा कुरान मजीद सूर नूर चौथा रुकू जाके देखो जो लड़की चलती ना टाक 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 मैं इसका भी पर्दा है आप जाओ जाके देखो आपको पता चलेगा बच्ची है कुरान मजीद नहीं पढ़ा अपने ईमान में इजाफे की फिक्र नहीं है माल में इजाफे की फिक्र है आमाल में इजाफे की फिक्र नहीं है हो सकता है ये बात आप लोगों को सख्त लग रही हो लेकिन भाई मेरे भैया आपको तो मीठी गोलियां दे दे के सबको शुगर हो गया कितने लोगों को शुगर है भाई आप शुगर है आप शुगर है आप बच्चे कितने लोगों को कितने लोग नहीं है यार वो खाने के बाद ना मीठा खाना सुनना थे मौलवी साहब कहते हैं मीठा है कहाँ से साबित है भाई तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है अजीब अजीब रिवाज लेकर जी खाने के बाद खाना मीठा खाना सुनना थे मुझे मैं आप सब कुछ है आप तो माशाल्लाह माशा दारून कराजिए ना मैं कुछ चैलेंज करते कोई हजी शरीफ लगा के मुझे बता दें कि खाना खा खाने के बाद मीठा खाना सुनना थे अल्लाह के वास्ते ये कहना भी जायज़ है ये भी मत क्या करो ये कोई सुन्नत वन्नत नहीं है वो बात एक अल्जा है कि कभी अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मीठा आ गया तो खा लिया अब पता लगे हर खाने के बाद मीठा एजाज भाई ने जरूर रखना है यूँ सुनत है अब भाई सुनत नहीं है यार अल्लाह के बंदे एक दिन बगैर मीठे के भी लोगों को खाना खिला के, के फारिग करो देखते दूसरी दिन आएगा हजत वो मीठा अपने घर से ले आना भाई बात बदम सुनत वन्नत क्या सुनत अगर है वो अपनी तू पूरी पूरी कर ले भाई ये बिदात है असल में क्या चीज़ है अब देखो ना आज मैं जब चल रहा था तो मेरा मोबाइल भरा हुआ है शबे महराज शबे महराज शब महराज एक साहब ने लिख के भेजा कि कल सुबह शरी का टाइम दिए तो मैंने उनसे पूछा भाई ये रोज़ा साबित कहाँ से ये बताओ मुझे तुम मुझे पचास साल हो गए अधिशरी पढ़ते हुए पचास साल हो गए उन्नीस में मैं जामा फरूग पढ़ने गया था उन्नीस सौ उनहत्तर में पचास साल हो गए मुझे पचास साल में मुझे आज तक कोई रिवायत नहीं मिली कि कल का रोज़ा रखना चाहिए पता नहीं कहाँ कहाँ से बिदाज रसूमात ले और फिर उस पर इतने पक्के हो गए हैं कि अगर ये नहीं किया तो मर जाएंगे वो कह रहे जो हजार भी का रोजा है मतलब हजारवी का रोजा मतलब ये कि अगर आपने रोजा रख लिया एक हजार रोजा सामने मिलेंगे ऐसे लगे तो अल्लाह क्या लूट मची भी है सला एक रोजा, रोजा दिमाग खराब हो गया अब मैं रोजा रखने में जूते लगेंगे हाँ वैसे आप दिलचार रख लो कोई बुराई नहीं है कोई बुराई नहीं है कोई बुराई नहीं है लेकिन ये समझना कि अगर रोजा नहीं रखा तो ये हो जाएगा और ये हजार भी का रोजा है ये रजा भी रोजा ये सब गलत है ये सब गलत है, ये किसी हदीस शरीफ से कहीं साबित नहीं अजीब अजीब रसुमांत है अजीब अजीब रसूमात जो असल काम है करने का वो करते नहीं है जो काम नहीं करने का उसमें आगे आगे मेरा सिर्फ आज ये है कि अगर आप अपनी दुनिया में और आखरत में कामयाबी चाहते हैं तो अपने ईमान में इजाफा करें और ईमान में इजाफा सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद पढ़ने से तेज़ी से होता है जिक्र करने से भी होता है सदका करने से भी होता है आगे बयान में बैठने से भी होता है लेकिन जितनी तेज़ी से कुरान मजीद पढ़ने से आपके ईमान में इजाफा होगा ना ये कलामुल कलामूक है कलामुल है अल्लाह का कलाम है और फिर अल्लाह रब बायदा जो भी शामी सुनता है पढ़ता है अल्लाह उसको सुन रहे एक रहेबी के लिए आते अल्लाह के, अल्ला के फरमाया कि तुम कुरान ये सुना तो, तो मैं आपसे ज्यादा हाँ अल्लाह ने कहा है अल्लाह ने कहा है मेरा नाम लेके कहा हाँ अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेके लेकर तुमको हमें सुनाओ और मैं सुनूंगा अल्लाह अकबर करीम अब बताओ अल्लाह वो कुरान मजीद है ना भाई एक साहब भी रजूस रसम के लिए आ जाए कि वो रात में अपने घर में तहजद पा रहे थे और एक भारत सबल जैसा था वहाँ सहन सहन वहाँ पर उनका घोड़ा बंधा हुआ था और करीब भी एक चरपाई थी से उनका बच्चा सोलह ये कमी पढ़ जब आदमी अकेले में क्रामीज पढ़े ना और रात का सन्नाटा हो तो पढ़ने में और मजा आते हैं लेकिन असल में आप लोगों को तो ये मजा आएगा नहीं ना आप लोगों को तो इस भी आइसक्रीम खाने में मजा आता है कुरामीज पढ़ते नहीं तो पढ़ने का मजा क्या आएगा हाँ इंटरनेट की बात करो फलाने की बात करो सैमसंग नया वाला आ गया पुराना वाला चला गया गाड़ी नई वाली आ गई पुरानी वाली चले उसमें आप लोग कुरान भाई पता नहीं यार क्या पढ़ रहे हैं बोली सर वो सहाबी रसूल कभी पढ़े तो जब वो जरा जोर से लहन से पढ़ते तो वो जो घोड़ा है न, वो ही नहीं ना वही नहना है और ये खद्चा होता है कि कहीं वो बच्चे ही को नुकसान ना पहुँचा दे जो बच्चा सो रहा है तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता कर देते फिर बढ़ते बढ़ते फिर मजा आ जाए फिर जोर से बढ़ने लगते हैं फिर वो घोड़ा हिने ला जाए फिर से गए ये सारी रात चक्कर चलता रहा और सलाम पहनने के बाद वो सुबह जब फजर की जान हो गई तो सरकारी द्वारा सत्संग के गए और जाके कहा कि अल्लाह के रात को मैसेज ये मामला हुआ और इस खोड़े ने मुझे <coughs> बहुत परेशान किया अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुन के कहा कि वो घोड़ा जो हिन्ना रहा था ना असल में जब तुम कुरान मजीद पढ़ रहे थे ना तो ऊपर से फरिश्ते उतर रहे थे कुरान मजीद सुनने के लिए अल्लाह हु अकबर कबीरा और जब वो फरिश्तों को घोड़ा देखता था ना तो वो फिर हिन्नारा और तुम आहिस्ता कर देते तो दे। फिर जब तुम जोर से पड़ दे फिर वो फरिश्ते अगर तुम ऐसे पढ़ते रहते तो आज मदीना वाले फरिश्तों को जमीन पर उतरते हुए देख लेते अब कुरान मजिद शब यकीीन करें हमें अच्छी तरह याद हम जब उन्नीस सौ अड़सठ मुका मैंने मुकम्मल किया तो जब रमजान मुबारक का महीना आते थे, थे ना तो एक मस्जिद में तरावी हो रही है एक मस्जिद में तलावी हो रही है एक मस्जिद में तलावी हो रही है एक घर में तरावी हो रही है एक घर, एक सिवारे यहाँ पढ़ना है दो सवाले वहाँ पढ़ना है दो सवाले वहाँ पढ़ना है पूरी रात ये चक्कर चलता रहे पूरी रात अब तो जिस दिन कौमी ख़त्म हो जाए ना उस दिन भी मोदी साहब जरा बात हल्की कीजिएगा लोग दूर से आए हैं उनको चाहे है वहां और शादियों तो रात के दो बज जाए तो कोई बात नहीं मोदी साहब का बयान सुनने के लिए तैयार नहीं है क्वाब भाई सुनने के लिए तैयार नहीं अब तो अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट ने डंडा लगा दिया कि हॉल जल्दी खाली करो वरना ग्यारह बजे तो दूल्हा नहाने जाता था तैयारी कर तुम कब गए थे भाई लाने के लिए शादी में आप देखो अब ज्यादा बताएगा नहीं मत बताओ मत बताओ भाई हमें मालूम है हमें मालूम है हम लोग डंडे के यार हैं डंडे के यार अल्लाह ने हमें दुनिया में थोड़ी सी देर के लिए अपनी मर्जी दे के छोड़ा है और ये कहा है कि मैं तुमको मॉनिटर कर रहा हूं ऊपर से बैठकर कर हाँ ऐसा नहीं है वो तस्वन या मालूम तुम ये मत समझो कि अल्लाह गाफिल है तुम्हें देख नहीं रहा अल्लाह एक एक को एक एक को देख रहा है अभी एक प्लेट आया ना उसमें बहुत सारी गुलाब जामुन है छोटी 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 सी तो अब यार एक दो तीन चार दस पंद्रह ऐसे ना इस तरीके से इसराइल को पूरी दुनिया नजर आती है इसकी जान निकालने इसकी जान निकालने जब इसराइल जो फरिश्ता है उसको मालूम है तो अल्लाह को नहीं मालूम होगा अल्लाह एक एक को मॉनिटर कर रहा है एक एक को एक एक मिनट को मॉनिटर कर रहे मेरे भाई अल्लाह हमसे सवाल करेगा तुमको मैंने दुनिया में भेजा तुमको इतनी उम्र दी तुमने क्या किया बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा क्या जवाब होगा बस सारी जिंदगी कमाया सारी जिंदगी कमाया सारी जिंदगी कमाया बुढ़ा हो गया कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है आखिर में चार दो गज का मकान बना और जैसी बना पत्नी जाना नसीब हो जाए नहीं तो वो धड़न छुट्टी कबर में चला गया तुझे तो बनानी क्या सोचती बनानी क्या जो थी मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ आप यकीन करें बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ भाई जो तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो हजरत वो बच्चों के लिए कर रहे हो और बच्चों के लिए कर रहे हो अच्छा भाई किसी एक हाजी शरीफ में आता है कि अगर बच्चे के लिए तुमने मकान नहीं बना के दिया तो अल्लाह तुम्हें जन्नत नहीं देगा किसी एक कुरान मजीद की आय से ये बात साबित है कोई नहीं लिखा कोई नहीं लिखा कहीं नहीं लिखा अबे भाई अपनी तो नहीं के लिए लगाओ अपनी चवानाई आखिरत के लिए लगाओ हर रोज लोग मर रहे हैं हर रोज लोग मर रहे हैं आज यकीन करो हर रोज मतलब आप कैसे समझो हमें जाना नहीं है हमने देखा दादा अब्बा बैठे में हैं और पोता जा रहे हैं दादा अब्बा बैठे में हैं और पोता जा रहा है बाप बैठा हुआ और बेटे जा रहे हैं अब्बा समझ मुझे मरना ही नहीं और मैं बैठा रहूं अगर हमारी जो जरूरत है असल असल हमारी जरूरत ईमान है अगर ईमान में रोज इजाफा हो रहा है अलहमद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रजी अल्लाह तआला एक साहबी है हंज ला मुनाफिक हो गया हंज ला मुनाफिक हो गया तो अबू बकर सामने शायद क्या बात है क्या बात है तो मैं कि मैं जब अल्लाह के रसूल वसल्लम की मजलिस में होता हूँ तो मेरे ईमान की कैफियत कुछ और होती है जब मैं बीवी बच्चों को सिलाता हूँ सब मैं भूल भाल जाता हूँ फिर तो तजाद हो गया ना वहाँ ईमान की कुछ तरफियत है यहाँ भी ईमान की कैफियत कुछ है मैं मुनाफिक अबू बकर अबू बकर भी मुनाफिक हो गया अबू बकर कह रहे मैं भी मुनाफिक हो गया जो हाल तुम्हारा है वो हाल मेरा भी है चलो दोनों चलते सरकार दोनों चले गए क्या बातें कहाँ जला मैं तो मुनाफे हो गया अब मैं भी मुनाफे क्या हूं कहा वैसे जब हम आपकी मजलिस में होते हैं तो हमारे दिल की कैफियत कुछ और होती है और जब हम अपनी बीवी <coughs> बच्चे के पास चले जाते हैं तो हमारी बिल्कुल बदल जाती है बिल्कुल फरमाया कि अगर तुम्हारी कैफियत वो हो जो मेरे साथ मजलिस में बैठ के होती है तो रास्ते में फरिश्तेम तुमसे मुसाफा करेंगे वो कैफियत हो ही नहीं सकती जो कैफियत इस वक्त आप लोगों की है ना अल्लाह की बात सुनने के बाद अभी बाहर निकलो जाएगी मैं बार बार कहता हूँ बार बार कहता हूँ ये जो मजलिश हमारी होती है ना इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है ये अल्लाह का तुम पे एहसान नहीं है तुम्हारा कोई एहसान नहीं अल्लाह पे कि अल्लाह में वापिस अब आई तो हम जी सुनने चले गए थे बयान सुनने कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो भाई एहसान थोड़ी कर रहे हो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने तुम्हें हमारे साथ जोड़ दिया है अभी अभी मैं आके आते हुए अभी बता रहा था अभी बता रहा था एक बार यूसफ साहब हमारे के सूर्य यूसुफ के हाशिए में लिखा हुआ है कि यूसुफ तो ये तो दूर थे ना भाई इनको महल में पहुंचाया गया और वहां के तौर तरीके सिखाए गए और उसके बाद वहां का बादशाह बनाया गया तो असल में अल्लाह ने कोई बात पहले से मालूम थी ये काम करना है बीस साल के बाद तो अल्लाह ने वो सारा नजम चलाया उनको वहां पे पहुंचाया मैं बता रहा था अभी गाड़ी में आते आते एक बार सबको अल्लाह कुरान मजीद में कहता है फ खुली फी इबादी वद खुली जन्नती पहले कहा कि तुम जन्नतियों के साथ दुनिया में रहो बंदों के साथ फद खुली फी इबादी इन लोगों में शामिल हो जाओ उसके बाद कहा वद खुली जन्नति जन्नत तुमको बाद में मिलेगी पहले जन्नतियों के साथ दुनिया में रहो और उसके लिए शर्त बताई इरा रब मर जैसे इन्होंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया तुम इन जैसे हो गए तब तुम इनके साथ शामिल हो गए वरना नहीं होगा ये असल में समझ में जब आएगी जब कुरान मजीद को रोज पढ़ोगे कुरान मजीद को रोज पढ़ोगे जब पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो फिर किसी दिन ना अल्लाह तुम्हारे ऊपर खोलना शुरू करेगा उसको फिर जो सुल्हाइज की तफसीर पढ़ा रहे ना उनसे जाके पढ़ने को दिल चाहिए खुद से मत पढ़ना ये सारे लोगों कह हूं, को कह रहा हूँ सारी औरतों को कह रहा हूँ हाँ अपने आप खोल के तफसर मत पढ़ने चुना तो मुसलमान भी नहीं रहोगे देहरिय बन जाओगे मुसलमान भी नहीं रहोगे देहरिय बन जाओगे और फिर आए जैर में आ रहे मिन कम ने कहा कि हमने तो तो आसान कर दिया। कर दिया हमने तो आसान कर दिया और जाहिल आदमी तेरे लिए आसान नहीं किया तू जा पहले किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ और जो वो तफसर बताए उस तफसर को सुन उस पर अमल कर फिर तेरे लिए, तेरे लिए तो आगे। आगे। आज, हर बना आज हर औरत अ है मैं खुद ही तफसर शुमानी पढ़ लेती हूँ मैं खुद ही तफसर शून्य पाते पढ़ने नहीं आती को और कह रही है मैं शुरू में कह रहा है और कह रही है जो भी मरे औरत कोई भी है। जब कुरान मजीद के लफ्ज सीखने के लिए तुम्हें तो <coughs> उस्ताद के पास जाना पड़ रहा है तो उसके मानी और समझने के लिए और उसकी जो उसका क्या पस मंज़र है ये समझने के लिए बग़ैर तफसर बगैर किसी अल्लाह वाले को जाए आपको कैसे पता चल सकता है भाई पता चल ही नहीं सकता एक नई बीमारी शुरू हो गई है हम खुद ही पढ़ लेंगे और मौजूदी साहब की जितने भी जानने वाले ना वो यही कहते हैं है। किसी एक को भी किसी एक को भी पढ़ना नहीं आता सूर्य वाजा या कौमी हम खुद ही पढ़ लेंगे इन्ना तो खुरा मजीद को मजाक समझा भाई ओ डॉक्टरी तो इसी लिए आसान है खुद ही पढ़ लो खुद ही अपनी अम्मा का चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर लो, जाने जरूरत क्या है आ खान ले जाने की वहां पे एक एक बात कई डॉक्टर से कहना दवा खिलाए नहीं सुबह खिलाएं शाम खिलाएं दो बजे खिलाएं तीन बजे खिलाएं और तो कुरान मजीद क्या करा उसको छोड़ो उसकी परवा अभी तीन दिन पहले चार दिन पहले <coughs> किसी साहब ने अमेरिका से मेरे पास एक क्लिप भेजा कि कोई एक पुलिस का कोई बड़ा आदमी है वही कह रहा है कि ये जो क्या मौलवी लोग जो है कौमी पढ़ाते हैं ये तो पूरे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं इनका कोई मसह भी नहीं बड़ों की वो क्या करें न कमाने के काबिले ना जमाने के हैं <coughs> <coughs> तो किसी अल्लाह वाले ने उनको समझाया कि भाई वो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होती है ना दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फलाना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होती है ना भाई कोई टेक्सटाइल ग्रुप होता है कोई फलाना होता को है तो ये बच्चे जो है ना ये हीरो की इंडस्ट्रीज हैं फल फल ऑफ इंडस्ट्रीज हीरो की इंडस्ट्रीज हैं तो सोनी <coughs> फरमाया कि इन बच्चों की वजह से इन बच्चों की वजह से अल्लाह सारी दुनिया को रिज दे रहा है रहे जितने कुरान क्रामीद पढ़ने वाले हैं ना आप यकीन करो ये जितने कुरान क़ुरानी पढ़ने वाले हैं ना जितने कलमा गोए ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद महमदल पढ़ने वाले इन सब की वजह से गैर मुस्लिमों को खाना मिल रहा है जब एक आदमी दुनिया में कहे ना अल्लाह अल्लाह ने फरमाया क्यामत नहीं आएगी जब तक ये कुरान मजीद पढ़ने वाले ये हफाज ये उलमा कराची में है ना हैदराबाद में है ना लाहौर में है ना ये लाहौर बचा रहेगा कराची बचा रहेगा जिस दिन ये मौलवी ख़त्म हुआ हाफिज ख़त्म हुआ तो समझ लो तबाह हो जाएगा पूरा कराची तबाह हो जाएगा और आप देख लो हर किसी भी खानदान को देख लो अगर उसमें नेक लोग हैं नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं कुरान मजीद पढ़ने वाले लोग हैं तो उनका घर चल रहा है और वो एक हाफिज़ की बरकत से चल रहा है बस अभी एक साहब ने <coughs> <coughs> तेतीस में चार सौ गज का मकान बनाया तो इतवार को मेरी मस्जिद थी सजाइन टाउन में मुझसे पहले से वक्त तय किया उन्होंने कि मैं असर में आपके पास पहुँच जाऊँगा और आपको मैं चाहती हूँ मेरे घर आके दुआ कर लें मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा तो आगे भाई अल्लाह के बंद कहा कि भाई आप आ जाए आ जाए बस आप आ जाए, आ जाए आपकी मेहरबानी नहीं अच्छा चलो ठीक है आ जाना भाई गाड़ी लेके मैं चला गया उनके घर वो माशाल्लाह से शानदार घर बनाया एक उनके चार बेटे एक बेटे का मुझे मालूम है वो हाफ़िज़ बन रहा है <laughs> मैंने कहा भाई तला भी सुना रहे हो कहाँ सुना रहा हूँ मैंने कहा भाई आपको दूसरा बेटा भी देना वो भी हाफ़िज़ हो गया होगा कहा गया नहीं बस ये एक ही हुआ है मैंने कहा बाकी तीन क्या जानों में डालना है क्या उनको नहीं नहीं अच्छा वो एक हाँ बरकत के लिए रख लो बस हम लोग बरकत के लिए रखते हैं बस बाकी तो समझदार है ना वो डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा ये बनेगा वो बनेगा ओ भाई इस हाबिज की बरकत से तुम सबको खाना मिल रहा है इस हाबिज की बरकत से चार जगह का मकान बन गया तुम्हें तो मालूम नहीं जब कुरान मजीद जिस घर में होता है ना कुरान मजीद वाला जिस घर में होता है ना वहां पे अल्लाह की रहमतें बरसती थी बस मैं आप आज आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है ना वो ये है कि हमारे ईमान में कैसे इजाफा हो ये सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है बाद में इजाफा हो या नहीं हो हमारे ईमान में रोज बदजरीज इजाफा होना चाहिए इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ सब लोगों ने कि भई यासिन शरीफ याद कर लो और मुझे बताओ भाई लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं कोई बताने के लिए तैयार नहीं भाई ये भी आपके फ़ायदे के लिए कहता हूँ मेरे शेख अब्दुल नबीज़ मक्की साहब राम अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह उनके ऊपर करोड़ हाँ करोड़ हा फरमाए हज कभी भी पूछते नहीं थे आपने जिक्र किया नहीं किया लेकिन आप यकीन करें जब से हजरत ने मुझे बारह तजबात का जिक्र दिया आज तक हजरत को दुनिया से घर में भी पाँच साल हो गए आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब मैंने बारह तज्बात मुकम्मल करके न छाऊंगा एक दिन हजरत से मैंने पूछा कि हजरत कभी कभी रात को थकावट बहुत हो जाती है जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ ना आप देखें कम यहाँ से जाना होगा मुझे नहीं मालूम घर पहुँच के नफरत पढ़ना ये करना जिक्र करते रात के दो बज जाती तो नहीं फरमाया मुझे मालूम है कि आपकी मुसीबत बहुत ज़्यादा है तो अगर आप रात में ना कर सकें तो दूसरे दिन सुबह कर लेगा जहर तक भी कर लेंगे तो आज ही का दिन काउंट होगा इन न दिन हुई सलाह दिन आसान है लेकिन हम करने के लिए तैयार हैं समझने के लिए तैयार नहीं भाई कोई गलती हो जाए जाके शेर से पूछ लो ना लेकिन शेर से पूछना तो हमारी बेजती काम हो रहा अच्छा मैं 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 पूछूंगा मैं तो सारी दुनिया को बताता हूँ मैं पूछूंगा ये जो असल में मैं है ना ये हमें मार रही तबाह कर रही बर्बाद कर रही आप यकीन करें क्यों तो गलती हो जाए पूछ लो कह दो हज ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे नहीं हुआ ऐसे हो गया ना समझने के लिए तैयार हैं ना बताएंगे तैयार है भाई अगर तुम बताओगे गलत बताओगे तो सही होगा ना भाई अभी हमारा बड़ी साहब बैठे हुए हैं ना इसे मैं कह रहा हूँ किताब लिख लो सारी किताब लिख ली एक जुज रह गया कह रहा मैं सोच रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ मैं मैंने कहा भाई जब तक गलत नहीं लिखोगे तो सही कैसे लिखोगे दुनिया में कोई परफेक्ट आया ही नहीं सरकारी दुआलम दोलम सब जब आए ना तो पहले जब नमाज़ आई ना अल्लाह की तरफ से अल्लाह की जगह आ रही नमाज़ अल्लाह अकबर कोई आ गया का जो जबैठ जाए मैं नमाज़ पढ़ो बाद में बात करेंगे हाँ हाँ ऐसा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में ऐसा था सलाम का जवाब देना जायज़ था लेकिन बच्चली ऐसे हुआ एक रसूल रसोसम आए और अल्लाह के रसोसम नमाज पढ़े थे उन्होंने कहा असलकूल अल्लाह के सो जवाब नहीं दिया नमाज पूरी की तो वो घबरा के शायद मुश्र गलती हो गई पर मैं अल्लाह की तरफ से अमेंडमेंट आ गई अब नमाज के अंदर सलाम दुआ करना जायज़ नहीं अमेंडमेंट आती रहती है भाई आती रहती है पहले ऐसे, ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था मैं बारह साल पहले तेरह साल पहले जब इस घर में आया था तो इस घर का नशा ये नहीं था नीचे हम लोग नशे करते थे नीचे और ये उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रहा था फिर कितने अर्से के बाद ये हुआ फिर वो हुआ फिर ये हुआ फिर ये नहीं लगा था वो नहीं लगा था ये दवा नहीं था ये ऐसा डिजाइन नहीं था और पता नहीं वाह दे दिया आज से तय करें सारे लोग आज से तय करें आज तक गलती हो गई ना अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए आज के बाद नहीं करूँगा खलाश आज से तय कर लो कि आज से रू जाना एक सी बार कौमी पढ़ने तय कर अब शाबान का महीना आ रहा है सरकारी दुआम से रसम का महीना है वो इनशाला आइंदा चल के मैं आपको शाबान महीने के महीने से हवाले से बताऊँगा जैसे माँ रजब के हवाले से बताया था ऐसे इनशाला शाबान के महीने से भी बताऊंगा आपको शाबान के महीने में क्या क्या करना चाहिए लेकिन इस वक्त असल में जोर इसलिए लगा रहा हूं कि अगर आपने कुरान मजीद आज से पढ़ना शुरू कर दिया मैंने रजब में भी कहा था रजब के शुरू में कहा था आज से रजब से नया कौमी शुरू करो आज आपको बताने इसी से चाह रहा हूं कि अगर तुम अपने ईमान में इजाफा चाहते हो अगर तुम अपने ईमान में इजाफा चाहते हो तो कौमीज पढ़ने शुरू कर दो तुम्हारी ईमान बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहे 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 जितना जितना पढ़ोगे उतना उतना तुम्हारे दिल अल्लाह के नूर से मुनवर होना शुरू हो जाएगा तय कर लो कि आज के बाद जरूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह आज से जब शुरू कर देंगे ना तो शाबान के महीने में और तकवे मिल जाएगी और जब रमज़ान मुबारक आएगा तो पहले से प्लानिंग तैयार कर लो कि मुझे शहर में कितना कौन पढ़ना है फजर के बाद सोना है कब उठना है कब ऑफिस जाना है कब वापस आना है हमारे फ़िमस तो अल्लाह को हमने देखा कि रमज़ान मुबारक में एक मिनट के लिए भी एक मिनट एक मिनट के लिए भी सीधे लेट के नहीं सोते। कहते मुझे हया आती है कि अल्लाह का महीना है और मैं लेट के सो जाऊँ अल्लाह अकबर कबीरा और साल के बारह महीने रोजा रखते थे साल के बारह महीने हमारे लिए एक महीना मुसीबत है दुआ फरमाए गर्मी ना हो अभी से परेशानी शुरू हुई अभी से दुआ है भाई दुआ पैसे होती है बगैर पैसे होती है अल्लाह के बंदे को लिफाफा दो अच्छा सा मोटा सा तो दुआ करेंगे पैसे हमारे वो हमारे शेख के साथ आदमी चलता था वो कहते था थे गिरी दुआ करानी है सूखी दुआ करानी है एक मिनट के लिए भी मैं तो लगता कि अल्लाह का महीना और मैं लेट के सो जाऊँ रमजान में सोच तक ने फिर खुद अपना एक वाक लिखा है सवान की किताब है उसमें देखा कि साहब का मामूल ये था कि वो साल के बारह महीने रोज़ा रखते थे ये कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा सफ़र किया मदियम में हज़रत रहते थे तो अम्मा ने मतलब अजर का लगी अहलिया ने तकुशमानी साहब से कहा कि इनसे कहो कि अपनी सेहत का कुछ ख्याल करें अपने जिसम का भी कुछ ख्याल करें बूढ़े हो गए हैं पचहत्तर साल छिहत्तर साल उम्र हो गई अब तो रोज़ा छोड़ दें ये तो एग्जैशन है ना भाई पिछहत्तर साल के बाद तो सत्तर साल के बाद तो अल्लाह पूछेगा ही नहीं तो तक साहब कहते हैं किताब में लिखा है कि तक साहब ने कहा कि हजरत जिस्म का भी हक हाँ है मुझे तो मालूम हाँ है तुम मुफ्ती हो आपके जिस्म का भी वो हाँ हक है अगर आप रोजा छोड़ दें हाँ 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 ठीक है छोड़ेंगे छोड़ेंगे इनशाला थोड़ा सा आराम भी कर लिया करें थोड़ा सा आराम भी कर लिया करें में कि सवाल फते जवाब दिया कि बस कब्र में के काम क्या है, है। कब्र में जाने के बाद क्या काम है, है। कब्र में जाएंगे बस सोच रहे अच्छा चलो हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं ना इमानदर से बताओ रमजान में कौन कितना सोता है और कौन कितना जागते हैं बताओ बताओ ग्यारह महीने में इतना नहीं खाते जितना रमजान में खाते ऐसा नहीं है अबे भाई रमजान तो इसलिए आया कि कम खाओ जो गोराबाई पता चले कि वो भूख से कैसे रहते बेचारे मैं आपको लिख कर देता हूं लिख के देता हूं पूरे साल में नोट करो कि कितने पकोड़े खाए एक हफ्ते में फिर पंद्रह दिन में फिर महीने में सम करो एक किलो बेसन आया पूरे महीने दूसरे महीने में तीसरे महीने में ग्यारह महीने में जितना है ना वो ग्यारह को जमा कर लो उससे कहीं ज्यादा रमजान आता है नहीं अबे भाई अपनी बीवी पे कुछ रहम करो वो भी बेचारी औरत जो है ना वो चूल्हे के सामने खड़े के पकौड़े तलती है तुमने तो आना है पकौड़े खाने है। ये कच्चा है वो पक्का है फलाना है इसमें मैं बाद में बात करूंगा आज तो सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कुरान मजीद का आज से एहतमाम शुरू कर दें अगर हम अपने ईमान में इजाफा चाहते हैं और खुदा की कसम जो कुरान मजीद पढ़ता है अजीश शरीफ का मफहूम ये कि अल्लाह सारी दुनिया को देने वालों ज्यादा इसको देता है आप कुरान कुरानी पढ़ना शुरू कर दो कुरान क़ुरानी पढ़ना शुरू करो और अपने दिल में ख्याल करो ये ये खाना है मुझे देखो कोई ना कोई फोन लेके आ जाए बगैर पैसे को लेकर आ जाएगा पैसे भी तुम्हारे नहीं खर्च होंगे अबे भाई ऐसा ऐसा नुस्खा कोई बताएगा नहीं आपको ये मैं बग़ैर पशु बता रहा हूँ एजाज भाई को दुआएं दो कि वो बुला के ना फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ने उसके बताया कोई पढ़ने शुरू कर दो और कहो अल्लाह से कौन पढ़ते 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 ये दिलचाल है अब यकीन करो हमने साहब से के साथ ऐसा बेमौसम का फल खाया है कि मैं को बता नहीं सकता रात को जो बिल्कुल आखिर में आधे घंटे तराबी खत्म कर दे और फिर जो दस्तखान लगता था ना ओहो अच्छा ये एक अजीब बात है कि वहां पे ढाई सौ तीन सौ आदमी होते थे और हजरत की वजह तो से कभी भी शहरी का इंतजाम नहीं होता था और पता नहीं तीन बजे कहाँ दड़ा दड़ो देर उतारना क्यों आई कौन पति ऊपर से आ रहा है कहाँ से आ रहा है आसमान से आ रहा है मजनो शलवा है क्या हो रहा हो और वजह हम लोग दस्तखान पर बैठते थे, थे ना तो हम लोग तो खादिमिन में से होते थे प्लेट उठा के लेके आ गए पानी लेके आ गए गिलास में पानी डाल रहे हैं ये कर रहे हैं ये हमारा काम ये होता था लेकिन आप यकीन करो वो वो खाने को मिलता था जो मैं आज तक ये मैं उन्नीस सौ अड़सठ उनहत्तर सत्तर की बात बता रहा हूँ पचास साल हो गए आज तक वो खाने की लज्जत मेरे मुंह में है आप यकीन उसके बाद मैं लाखों रुपए खर्च कर चुका लेकिन वो वो मजा वो लज्जत नहीं आती आज तक नहीं ऐसा वाक लगता है कि वो जन्नत से अल्लाह खाने बेचता था उनके लिए और आज भी जो लोग पढ़ रहे ना मैं कह रहा हूं आपसे अमलन आप करके देख लो मुशाह करके देख लो जो लोग कुरान मजीद पढ़ रहे हैं ना और जो लोग पढ़ा रहे हैं ना अल्लाह का मामला उनसे आज भी वही है अभी पिछली को मैं मजीद करके आप सजा चाहू आप यकीन करें वहाँ पे उस जंगल में वो वो खाने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती मैंने मोदी साहब से कहा क्या चक्कर कहा वो साहब ये लेके आ गए वो साहब ये लेके आ गए वो साहब ये लेकर आ गए शेजाजे बकरे का गोश्त मालूम है क्या किलो मिलता है आ? एक हजार रुपये किलो अब में तो कोई है हिम्मत वाला एक हजार रुपये आप खाते हैं शेख भाई आप तो बड़े आदमी खा सकते होंगे हमारे मजर थे ना बकरे खड़े हुए वो मैं देखा वो जो वो बाकायदा बकरी की सारी बोटी है प्लेट में देखा मैंने कभी मैंने कहा बकरा है यादि के लिए खुरबान हुआ है बताओ मोलवी के लिए बकरा वैसी खुरबानी अबे भाई अल्लाह के होके देखो खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें यहाँ वो वो खिलाएगा वो वो पिलाएगा जो तुम्हारे तस्व में भी नहीं आ सकता किस बड़े आदमी को नहीं 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 मुझे मुझे ये खाना माना है मैं तो चिकन नहीं खाता कल मैं नमाज पढ़ के निकला एक आदमी मुझे कहना नमाज में अरे रात को मैंने चिकन खा ली मैंने कहा फिर क्या हुआ कल वो छे मोशन कर चुका अब तक मैंने काम तो पूरा पूरा बकरा दबा दिया हमें पता ही नहीं चलता इतवार के दिन आप देखें मैंने इतनी मछली खाई कि मैं आपको बता नहीं सकता एक साथी बेचारा वो मछली कहते हैं अल्लाह उसके बाद में बरकत नसीब फरमाए वो खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खाने रहे, खा रहे पता ही मैंने कहा भाई ये खिलाओ मुझे क्योंकि जन्नत में जाने का सबसे पहले मछली खाने को मिलेगी तो ये बकरा क्यों ही रख लो अपने पास बकरा नहीं खाना है बस मछली को ये खिला दो आप बताओ भाई कितने लोग रोजाना हफ्ते में कितनी जगह मछली खा दे बताए कोई हजरत इतनी महंगी मिलती छह सौ रुपए किलो यार मैं कैसे लूंगा यार और हमें अल्लाह हमेशा खिला दे हमें, हमें एक महीने में छह जगह तो जरूर खिला जाए मेरे भाई अभी तो हम काम कर नहीं रहे सिर्फ अल्लाह वालों के साथ लगे हुए उन लोगों के साथ लगने पर अल्लाह के ये इनाम हैं दुनिया में हमारे साथ और मरने के बाद क्या होगा अल्लाह अकबर कबीरा आप तो सब नहीं कर सकते जब इंसान की मौत आती है तो पांच सौ फरिश्ते आते उसको लेने के लिए प्रोटोकॉल समझते प्रोटोकॉल यहाँ प्राइम मिनिस्टर आया तो पांच लोग नहीं आते मैं आपको लिख कर देता हूँ किसी प्राइम मिनिस्टर की जाने पर इवन इवन आपका ओ, कौन अमेरिका का सदर अभी हटाने तो डोनाल्ड ट्रंप आकर आएगा ना उसके लिए भी पांच सौ आदमी जाएंगे मैं आपको लिख कर देता हूँ एक मोमिन जब जा आता है अल्लाह उसको बुलाता है उसके 500 फरिश्ते भेजता है पाँच जाओ भाई प्रोटोकॉल के लिए जाओ आइए 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 में आते हैं सोलवे के बारे में कि वही मिन कुमिल्ला वारी दुहा काना का नाला रबी का हतम मकवैया तो जब इंसान पुल सलाद पे से गुजरेगा ना कहते ना वो बारीक बिल्कुल बाल से बारीक हाँ तो में इस इस, इस, इस आयत के जहन में आता है कि 500 सौ लोग बों सौ ऐसे दिए देखे ना लेके खड़े होंगे आइये आइये मरहबा 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 और यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं ना प्राइमरी अंदर से गालियां होते हैं सारा बेहया दो घंटे खाना नहीं मिला ये हो गया नहीं वहाँ पे वो खुद आइए मरहबा, मरहबा, हमने अपनी आंखों से आप यकीन करेंपोर्ट पर उतरते थे ना आप यकीन करें दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी होती थी दर्जनों एक आदमी चला गया आजकल मदीना शिफ्ट हो गया फुजैल मर्चेंट उसका नाम था आप यकीन कर मैंने खुद देखा अपनी आंखों से देखा ये वो कराची में मेरे ख्याल दो तीन मर्सिडीज ऐसी होंगी उसके एक मर्सिडीज थी वो आके ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करता था जहाँ शायद चीफ मिनिस्टर के अलावा गाड़ी खड़ी कर ही नहीं सकता ओ, ओ कोई उसको रुकाया भी नहीं था क्या फूफा चीज थी वो नहीं जानते हैं गाड़ी खड़ी करेगा और एक मिनट के लिए मैंने बंद किया और ऐसे जा रहा है जैसे उसके बाप का एयरपोर्ट है वो जा रहा है, जा रहा है जा रहा है कोई रोक नहीं रहा है उसको जा रहा है जा रहा है जब एयरपोर्ट से उतरेंगे ना वो फ्लाइट से तो वहाँ यहाँ कुर्सी लगती है वहाँ तक बच जाए और ये क्या समे भाई ये हमने अपनी आंखों से देखा है प्रोटोकॉल अल्लाह उनके जाने के बाद कैसा प्रोटोकॉल कर रहा था उनका अल्लाह भकबर अकबर दे शर्ट क्या है कुरान मजीद कुरान मजीद कुरान मजीद कुरान मजीद, कुरान मजीद. बस आज मेरी दरख्वास्त आप सबसे ये है कि अल्लाह के वास्ते जवान हो बूढ़े हो औरत हो मर्द हो कोई हो आज से तय कर लो बस कुरान मजीद हर हाल में अपनी मंजिल तय कर लो बस ये आधा छिबारा एक सबारा दो चपारा जो आपका दिल चाहे वो आपकी अपनी ताज पाले क्योंकि इसमें रिश्ते कि ना दो सी बड़ा तीन सौ एक सहाबिक रिज है सरकारी द्वारा सल रसम को सा फरमाया किसी मौमी पढ़ना चाहता हूँ मुझे इजाजत देना कहाँ एक से बार रोज़ पढ़ जाता हूँ अब एक सवारी रोज बढ़ना शुरू कर दो मजा आने लगा अल्लाह कि रस मुझे मजा आ रहा है तो आप ऐसा करें कि दो सवारी कर दे के उसने मना किया कि नहीं नहीं दो सवारी कुछ दिन का अगर आया नहीं नहीं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अच्छा चलो दो सवारी कर लो पंद्रह दिन वो काम ही खत्म कर ले दो वो कुछ दिन का अगर कि नहीं अलग से मुझे मज़ा आ रहा है और बढ़ा दे अल्लाह के उसने मना किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो तो तीन सवारी करवा लिए अरे उसकी इजाज़ अगर चीन इस बारे बनने शुरू किया तो दर्जे मुकाबले खत्म और मजा आएगा ये दुनिया में वाद वाहिद कुरान मजीद है आप यकीन करो कि आपका कभी भी ना इससे दिल नहीं भरेगा जो आपकी महबूबा हो ना जिससे शादी नहीं हुई होने वाली हो हुई नहीं अभी होने के बाद तो मामला कुछ और आई ना हो और उससे आपकी करस्पॉन्डेंस आ रही हो अमरीका से चैटिंग हो रही हो उसका जो कोई मैसेज आता है ना या लेटर आता है ना तो उसको पढ़ने में जितना है एक दफा दो दफा तीन दफा का छोड़ो यार भेजो यार कोई बार बार पढ़ो मजा नहीं खत्म लेकिन ये वाहि कुरान मजीद ऐसा है खुदा की कसम अब जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा मजा आएगा पहली मरतबा पढ़ा जो मजा है ना दूसरी मार पढ़ा है उससे ज्यादा मजा आएगा तीसरी मरतबा पढ़ोगे उससे ज्यादा मजा आएगा इसका मजा अल्लाह कभी खत्म नहीं करता तो तीन सवारे बढ़ने लगे तीन सवाल बढ़ने लगे का अल्लाह के रसूल ऐसे को चार कर दिए ने बहुत मना किया तो चार हो गए ऊपर तो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पाँच कर दिए अल्लाह के ने मना किया कि भाई पाँच नहीं करो तुम नहीं पढ़ सकते लेकिन उन्होंने हंगामा कर, कर करके एक मंजिल छः सिपारे रोज दे दिया अब एक मंजिल पढ़ते रहे पढ़ते रहे और पाँच दिन ये करते काम ये ख़त्म के रसूल दुनिया से चले गए अल्लाह अब बुढ़ापा भी आ गया उनका भी अब उनको एक मंजिल पढ़ना मुश्किल हो गया फिर दुआ करते थे कि अल्लाह के रसूल अल्ला मुझे मना करते थे कि भाई थोड़ा सा पढ़ो लेकिन मुस्तकिल पढ़ो और मैं अल्लाह अल्ला के रसूल से कहता रहा अल्लाह के रसूल मुझे मना करते रहे और मैंने उनकी नहीं मानी तो आपसे दरख्वास्त है कि चाहे आधा सबारा पढ़ो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से सारे साल पढ़ो आधा सवाल पढ़ो ज्यादा मत पढ़ो एक सपारा पढ़ो लेकिन रोज आना पाबंदी से जैसे खाना खाना जरूरी है शाम की चाय पीना असल के बाद जरूरी है ऐसे कुरान मजीद का पढ़ना जरूरी है उससे क्या होगा वहीदा तुलिये ताला आया तू ज्यादा तुम ईमाना तुम्हारे ईमान में तरक्की होने शुरू हो जाएगी और जो हाफिज है ना उनसे मेरी दरख्वास्त है उनको भी चाहिए वो कौमी खोल कर देख, कर देख के पड़ा करें खोल कर देख कर पढ़ने का मजा कुछ और है ठीक मतलब है आप गाड़ी पर जा रहे हैं आप ऐसी ठीक है कोई बात नहीं गाड़ी भी चला रही ऐसी ये भी जायज है लेकिन अगर आप कौमी खोल के पढ़ेंगे ना ओहो मतलब मज़ा कुछ और मेमून लोगों को देखते हो जिनको यासी शरीफ याद होती है ना हाँ मैं पढ़ रहा हूँ अब भाई खोल के पढ़ ले यार आंख की तेरी बी ही बढ़ेगी तेरा क्या जाएगा अदब भी शामिल हो जाएगा बस आज मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि हम कुरान मजीद के मामले में भी ना अपने बड़ों को देखें इनशाला आइंदा मैं आपको किसी मजदिश में बताऊँगा हदीश शेखो हदीस मौलाना ज़क़रिया रहमतुल्लाह का रमज़ान कैसे गुजरता था बाकायद किताब लिखी हुई अकाबर का रमज़ान रमज़ान आने से पहले अल्लाह करे मुझे याद भी रहे और वैसे मेरी शेड्यूल में है मैं बताऊंगा आपको लेकिन आज से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें एक से बारह एक से बारह एक से बारह और आइंदा मस्जिद जब हो ना चाहे मेरे घर में हो या कहीं पर मुझे बताइएगा कि तो भाई आप साहब मैंने शुरू कर दिया आपके बताने से ना मुझे थोड़ी सी तकले जाती थोड़ी सी तकले जाती हाँ हाँ यार ठीक है ठीक है जो मैंने बताया वो काम कर रहे लोग कर तो रहे होते आप लेकिन मुझे बताते ही से मुझे पता ही नहीं चलता और मेरा दिल खुशी नहीं होता अब जब दिल खुश नहीं होती तो दुआ कैसे निकलेगी आप बताएं ना सुबह शाम फून करें हर मैंने ये कर लिया है अरे मैंने ये कर लिया है एक आदमी है वो मेरा मुरीद वो बेचारा अल्लाह उसको सलाम वो जब से मैंने उसको कहा ना वो हर रोज मुझे वॉइस मैसेज करते हैं असल आज पीर का दिन था मैंने रोज़ा रख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और सुबह का मामूल ये हुआ था और उसके बाद यू किया था उसके बाद ये किया था वो एक दिन मेरे पास आया उसको मैंने समझाया तुम असर की नमाज़ के बाद काम करना छोड़ दो वो लकड़ी का काम करते हैं मैंने कहा व जालिबाशा व जालशा जो असर के बाद काम होते हैं ना अल्लाह उसमें बरकत नहीं देता बिल्कुल बरकत नहीं देता अगर कोई ओवर टाइम भी करता है उसके माल में बरकत नहीं होगी और कोई ऑफिस में बैठ के काम करता है मगर के बाद तो भी बरकत नहीं होती आज देखिए मौलवी को क्या नजम है फजर की नमाज़ के बाद साढ़े सात बजे आठ बजे क्लास लग जाती सही साहब कब क्लास लगती है बताइए भाई आप कुछ रहने फरमाए ना हमारी भाई आप सही हैं आठ बजे सब लोग क्लास में पहुंच जाते हैं उस साथ पहुंच जाते हैं और बारह बजे उनका आधा दिन हो जाता है और जोर से पहले खाना खा लेते हैं और असर की नमाज से पहले काम खत्म बस हम जा रहे हैं नहीं ऐसा है नहीं शहजादे आप ऑफिस कब जाते हो भाई सोखे कब उठते हो पूछो पूछो सजा पूछो चला मैं तो उठते ही बारह बजे हूँ ना दो के जब नाश्ता करता हूँ तो फिर एक बजे ऑफिस जाता हूँ फिर रात आठ बजे तक बैठा रहता हूँ फिर कहते कमर में दर्द है यहाँ पे दर्द है अबे भाई अल्लाह के बंदे अल्लाह ने कहा वो जालना लिबासा वो जानना नहार माशा जैसे ही लहर आए मतलब सूरज खत्म हो तो लहर शुरू हो गई खाना खाओ इस पढ़ो पढ़ के सो जाओ हम ग्यारह बजे आइसक्रीम खाने ऐसे ही ना देखो फिर आगा खान के पास क्यों नहीं जाएंगे टेस्टिंग कराने के लिए पचास हजार रुपये कैसे हाँ ऐसे होगा ना अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत समाले अपनी जिंदगी को कुरान मजीद के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें फिर इन शाह दुनिया में भी सुकून रहेगा और मरने के बाद भी सुकून रहेगा अल्लाह मुझे भी आपको भी हमल की तोफी नसीबर इस सब का ताल्लुक दिल से है जितनी बातें भी मैंने आजकल इस सब का ताल्लुक दिल से है अगर दिल सही है ये जितनी बातें मैंने अर्ज की है ना आपके सामने अगर आपका दिल सही होगा तो आपको ये बातें अच्छी लग रही होंगी और अगर दिल गंदा होगा ना अरे यार क्या मोदी साहब एक घंटे से सर खा रहे हमारे इससे जो बेहतर था हम आते ही नहीं यार तो इसका मतलब है दिल गंदा है इसमें किसी को कसूर नहीं है अपने दिल की सफाई का इंतजाम करो और दिल की सफाई होती है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला, इल्लाह। ला अल्लाह का जिक्र खूब कसर से करो और अल्लाह के जिक्र में कौमी पढ़ना शुरू करो नूर आपके में से खुशबू आना शुरू हो जाएगी कपड़ा कुर्ता उतारो पसीने की बदबू नहीं आएगी आप जब चाहो आप दस दिन पंद्रह दिन करके देख लो करके देख लो आपको पता चल जाएगा पंद्रह दिन रोज जाना पाबंदी से तो कौमी पढ़ो और जैसे पहले कमीज पहनते थे बनियान के बगैर आपके बनियान में बदबू आना खत्म हो जाएगी असल में अल्लाह मुझे आपको समझा दे हम तो असल में बड़ों के साथ रह कर आए ना अपनी आंखों से प्रैक्टिकली देख कर आए ना इसलिए बात अर्ज कर रहे हैं, हैं आपसे आप भी कर लो आपके साथ कैसे ले अल्लाह इस बात पर खा दे हमारी मस्जिद का जो आखिरत है वो हम पांच मिनट जिक्र करते हैं फिर इनशा दुआ करें अल्लाह मुझे आपको अमल की नसीब नसीफी